और ये तुलसी एक काम में आती है। अगर आपके बाल में बहुत ज्यादा डेंड्रफ है, बहुत डेंड्रफ है, बहुत परेशान है, खोड़ा, खोड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं बरन, कोंडा, ये बहुत हो गया, डेंड्रफ हो गया, खुजली बहुत आ रही है, तो यही शाम तुलसी का रस निकालिए चटनी बनाकर और ये बाल में लगा लीजिए। एक तास के बाद बाल को धो दीजिए, सब कोंडा निकाल दें, डेंड्रफ आपका एकदम ठीक कर देती। और इस तुलसी का एक अच्छा उपयोग है, कभी माताओं को मासिक फाड़ी के समय बहुत जास्ती रक्त जाने की शिकायत है, आपको 3 दिन रक्त जाना चाहिए लेकिन 5 दिन जा रहा है, 7 दिन जा रहा है, कभी कभी 10 दिन जा रहा है, तो यही तुलसी का रस पी लीजिए, रक्त को तुरंत बंद करते, बहुत अद्भुत है। इस एक तुलसी का मैंने देखा है अपने शरीर की कम से कम 25 से 30 बीमारियों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। बच्चों के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के शरीर में पेट में कीड़े हो जाते हैं, जंतु हो जाते हैं, और उस जंतु के कारण वो बहुत परेशान रहते हैं। अक्सर ऐसी परेशानी उनको आती है कि आप तो बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं लेकिन वो सब खाना उनके जंतु खा जाते हैं, शरीर को नहीं लगता। अगर ऐसी जरा भी संभावना लगे कि बच्चों को शरीर में जंतु है तो यही तुलसी का रस और उस काढ़े से जंतु सब निकल जाते हैं। इस तुलसी का बहुत बहुत अच्छा उपयोग कई कई बीमारियों में आप कर सकते हैं। और एक आखिरी बीमारी, शरीर को कहीं पर कोई घाव हो गया, व्रण जिसको कहते हैं, और इतना भयंकर घाव हो गया कि भरता नहीं, उसमें से लस्सी भी निकलती है, उसमें से रक्त भी निकलता है, घाव भरता नहीं है, तो ये जो तुलसी की चटनी बना के आप लगा दें तो खराब से खराब घाव भर जाता है।